गांव खंडरा आबादी लगभग 3000 आज पूरे विश्व के मानचित्र पर दिखने लगा है। इसी गांव का जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक क्वालिफाई कर देश प्रदेश व अपने गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। पूरे परिवार को विश्वास है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश की झोली में डालेगा। कोहनी में चोट लगने के बाद निराश हुए नीरज चोपड़ा ने कड़ी मेहनत और लगन से ओलंपिक क्वालिफाई किया। 2019 में कोहनी का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन और कड़ी मेहनत पर ओलंपिक किया जी। हमें बहुत अपार खुशी है और पूरे देश को भी अपार खुशी है उस बच्चे पर जो उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अब अगला क्या सोचते हो कि ओलंपिक के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या अगला टारगेट क्या है? जी हम तो ये सोचते हैं कि ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए तो तभी देश की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जी भाई की सफलता पर यही कहना है कि उनकी कोहनी में चोट लगने के बाद वो थोड़े से निराश हो गए थे क्योंकि उन्हें काफ़ी गेम को छोड़ना पड़ा था बीच में। तो अब ये सफलता जो है उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो ओलंपिक का टिकट कटाया है, उसके लिए वो बहुत ही खुश है और इससे पता चला है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को इस कॉम्पिटिशन में आजमाया है। ओलंपिक में क्या लगता है आपको, क्या देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाएंगे? जी बिल्कुल हम श्योर हैं क्योंकि वो मेहनत भी इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि वो गोल्ड मेडल लेके आए और उनका ये सपना भी है कि इस बार वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ही जीते। और हमारे परिवार को और पूरे देश को उन पर गर्व भी है और इस चीज़ की आशा है कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बहुत खुशी की बात है, ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। एक सपना होता है हर एक खिलाड़ी का कि भाई हम इस सत्र पर पहुँच कर परफॉर्म करें और पूरे परिवार को बहुत खुशी है, पूरे गांव को बहुत खुशी है, देश में खुशी का माहौल है और उम्मीद करता हूं देश की दुआओं पर खरा उतरेगा, देश की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आगे ओलंपिक में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। मैं नहीं, कोहनी में इंजरी हुई थी तो कोहनी की इंजरी का 2019 में मई में इलाज करवाया था मुंबई के हॉस्पिटल में, तो सक्सेसफुल इलाज रहा और उसके बाद फिर बेंगलोर में प्रैक्टिस की। बेंगलोर में प्रैक्टिस करने के बाद फिर साउथ अफ्रीका चला गया था। साउथ अफ्रीका जाने के बाद प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखी और बॉडी ने जैसे ही लगा कि भाई शरीर झेल सकता है इतनी हार्ड प्रैक्टिस को तो हार्ड प्रैक्टिस शुरू करके और मैच खेला और मैच में ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया। पानीपत से राकेश भायाना की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।